हेलो एवरीवन, आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं जूलॉजी से, और वो अगर BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं MSc जूलॉजी से, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर्स मतलब 2016 का क्वेश्चन पेपर है ये जूलॉजी का। ठीक है, देखिए ये फ्रंट पेज है, ये इंस्ट्रक्शन हो गया। देखिए, जैसे मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ, 2014-15 का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ ये क्वेश्चन पेपर का। ये 16 का है, देख लीजिएगा आप लोग कैसे कितना मार्क्स होता है। एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो है आंसर के साथ है। इस बार मैं लेफ्ट साइड में आंसर डाली हूँ। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है पार्ट वन से हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट वन से है। लग रहा क्या है कि है, ये लग नहीं रहा, ये पार्ट वन से ही है। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स, दिख रहा है ना आप लोग को? अगर नहीं दिख रहा हो फ्रेश फ्रेश तो मुझे बोलिएगा, मैं फिर से डालूंगी अच्छे से। आंसर जो है मैंने जल्दी जल्दी में लेफ्ट साइड में ही लिख दिया है। देखिए, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स मिक्स है ये सारे क्वेश्चंस। देखिए, थर्ड पार्ट 7th पेपर से है ये सब क्वेश्चन। ये एंजाइम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट से, ये रेस्पिरेशन से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ से हो गया थर्ड पार्ट 5th पेपर से, इंडोक्रेनोलॉजी से पूछा हुआ है क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोग जानते ही होंगे, इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी हो गया,
वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा देर रखूँगी तो लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसके कारण आप लोगों को भी मन उब जाएगा। चलिए लास्टली ये वीडियो समाप्त हुआ, आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। एक और बात बता दूं आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चन है 2016 का, ये 150 हैं, लेकिन 2017 से इसका पैटर्न चेंज हो गया, 120 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स सब में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को और सारे वीडियो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए, अगर आप लोगों का कोई मतलब इससे रिलेटेड कोई वीडियो की आप लोगों को ज़रूरत ना हो तो मत नहीं कीजिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बाय।